बिग बॉस के घर में हमेशा ही किचन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा है। पिछले सभी सीजन्स में किचन में सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती रही हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिग बॉस के घर के किचन में अब झगड़ा हुआ है भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह और बॉलीवुड एक्टर और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की बहन शमिता शेट्टी के बीच। और झगड़े के बाद अब अक्षरा सिंह ने खाना नहीं खाने का फैसला किया है। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि अक्षरा ने शमिता के लिए आए खाने में से थोड़ा खाना खा लिया था। जब शमिता को ये बात पता चली तो वो काफी नाराज हो गईं। दरअसल बिग बॉस के घर में शमिता शेट्टी और नेहा भसीन के लिए अलग से ग्लूटेन फ्री खाना आ रहा है। उनके लिए आई चीजों पर उनके नाम लिखे हैं। जब अक्षरा सिंह ने ये सारी चीजें देखी तब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अक्षरा ने कहा कि अगर शमिता के लिए उनका नाम लिखकर चीजें आ सकती हैं तो बिग बॉस को उनका नाम लिखकर भी बेसन का पैकेट भेजना चाहिए। उन्हें भी ग्लूटेन से दिक्कत है और वो पिछले 2-3 दिनों से ढंग से खाना तक नहीं खा पा रही हैं। और इसी बात को लेकर शमिता शेट्टी और अक्षरा सिंह के बीच लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में जहां अक्षरा सिंह के साथ उनके कनेक्शन प्रतीक दे रहे थे तो वहीं शमिता शेट्टी का साथ दिव्या अग्रवाल और जिशान दे रहे थे। और आखिरकार अक्षरा सिंह ने बोला कि वो खाना नहीं खाएंगी। शमिता शेट्टी अक्षरा को ये समझाती नजर आई कि वो खुद बनाएं और खा लिया करें, किसी के साथ शेयर ना करें। शमिता के इस सजेशन पर इंडिया टुडे ग्रुप से बात करते हुए अक्षरा सिंह के पिता बिपिन सिंह कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ये संस्कार है कि हम मिल बांटकर खाना खाया करते हैं। अब शेट्टी उन्हें ज्ञान दे रही हैं कि अपना बनाओ और खाओ। अगर किसी ने बनाया है और कोई बीच में जाकर खा ले तो हमारे संस्कार में उसे रोक नहीं सकते हैं। ये तो थर्ड क्लास कल्चर है कि भाई खाना मत लो, मैं बना रही हूँ। ये तो पूरी तरह से स्वार्थ है। ये तो वही लोग कर सकते हैं जो स्वार्थी हैं या फिर उन्हें ज्ञान नहीं है, वो गधे हैं। 2-4 अंग्रेजी शब्द बोल लेने से खुद को इंटेलेक्चुअल समझ लेते हैं, वहीं हम भोजपुरिया लोग अंग्रेजी कम बोलेंगे लेकिन बात सही करते हैं। वो आगे कहते हैं कि देखिए खाना तो हमारी जरूरतों में शुमार है, उसी के लिए जी रहे हैं। अगर सुबह का नाश्ता ना मिले तो जाहिर है इंसान इरिटेट होगा, ऊपर से आप उसे दुनियादारी की बातें समझाने लगे। आदमी सब चीज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन भूख से समझौता मुश्किल है। 1-2 दिन फिर भी चला ले, लेकिन ऐसा होता रहा तो दिक्कत होने पर इंसान अपनी बात रखेगा ही। इस लड़ाई के कुछ देर बाद जब अक्षरा का मूड ठीक हुआ तो उन्होंने खुद अपना खाना बनाया और फिर प्रतीक के साथ मिलकर खाया। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह बिग बॉस में धमाल मचा रही हैं। दूसरे दिन ही उन्हें बॉस लेडी ऑफ हाउस भी चुन लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।